ड्यूरिंग एंड वाइल, इन दोनों वर्ड्स को कब और कैसे अपने सेंटेंसेस में यूज करें, बहुत कंफ्यूजिंग लगता है ना। सो डोंट वरी, मैं बताऊंगा आज के इस छोटे से वीडियो में। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का मतलब जब आप किसी भी एक्शन या किसी भी एक्टिविटी के शुरू होने से खत्म होने के बीच के टाइम के बारे में बताते हो। जैसे एक इजी से एग्जांपल से समझते हैं, एक मूवी 7 बजे शुरू हुई और वह 9 बजे खत्म हुई, तो 7 बजे से 9 बजे के बीच जो भी काम होता है उसके लिए हम ड्यूरिंग लगाते हैं। जैसे आई एट फूड ड्यूरिंग द मूवी, यानी मूवी चलने के दौरान मैंने खाना खाया। एक और एग्जाम्पल, माई फ्रेंड्स वेर टॉकिंग ड्यूरिंग द क्लास, यानी मेरे दोस्त क्लास चलने के दौरान बातें कर रहे थे। वहीं वाइल का यूज तब किया जाता है जब दो एक्शंस एक साथ हो रहे हो, जैसे कि मैं पढ़ाई करते करते गाने सुन रहा था, यानी कि इस सेंटेंस में गाने भी सुन रहा था और पढ़ाई भी कर रहा था, तो इसे मैं इंग्लिश में कहूंगा आई वॉज लिसनिंग टू द सॉन्ग्स वाइल स्टडिंग। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, मेरा दोस्त गाना गाते गाते डांस कर रहा है, माई फ्रेंड इज सिंगिंग द सॉन्ग्स वाइल डांसिंग। तो उम्मीद है दोस्तों ड्यूरिंग और वाइल के बीच जो डिफरेंस है वो आपको पता चल गया होगा, और इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी को जरूर फॉलो कर लें।